प्रिय दर्शकों नमस्कार। उपस्थित हूँ बहुत ही प्रामाणिक और रोचक जानकारी के साथ। आज मैं आपको तुला राशि के जातकों के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा तुला राशि के जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है, वे क्या सोचते हैं, जीवन में कब उनको सफलता मिलती है, उनकी किस राशि वालों के साथ में दोस्ती रहती है, किस राशि वालों के साथ में उनकी पटती नहीं है, कौन सा उनको व्यापार करना चाहिए, जीवन से संबंधित संपूर्ण जानकारी, बहुत ही यूनिक जानकारी। और मैं ऐसी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ कि आप किसी व्यक्ति को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति तुला राशि का हो सकता है। ये वीडियो एक ही वीडियो बनाऊंगा और इस एक ही वीडियो में मैं तुला राशि के व्यक्तित्व के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। आप वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को अंत तक सुने, देखें और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और एक लाइक तो भाई बनता ही है, एक लाइक भी ज़रूर कर दें। जब आप लाइक करते हैं तो हमारे हौसले बढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो मैं आपको बता रहा था कि आज मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी, इनकी विशेषताएं, कमजोरियां, जीवन में कब होगा इनके दुखों का अंत, आखिर इनको जीवन में दुख क्यों मिलते हैं, कौन कौन से वर्ष में तुला राशि वालों का भाग्य उदय होता है, इनके क्या है गुण अवगुण, कैसा होता है इनका चरित्र स्वभाव, कैसा रहता है इनका स्वास्थ्य, कौन होता है इनका इष्ट देव, मित्र राशियां, शत्रु राशियां और उसके अलावा तुला राशि वालों के वे समस्त गुप्त हुए कड़वे सच मैं आपको बताऊंगा, जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए हम बात शुरू करते हैं और बताते हैं, देखते हैं कि तुला राशि वाले कैसे होते हैं। मित्रों, तुला राशि वाले ब्रांडेड वस्तुओं पर अधिक खर्च करने वाले देखे गए हैं। दूसरा, अपोजिट सेक्स के प्रति इनका नैसर्गिक आकर्षण इनके दुखों का भी कारण बनता है। ग्लैमर के प्रति रुझान अक्सर इनमें देखा गया है या देखा जाता है। आप अपनी तरह ही अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर से प्यार के प्रति सच्चा समर्पण चाहते हैं। इसी कारण तुला राशि वाले स्लो प्यार करने वाले भी कहे गए हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे डिसीजन लेते हैं, स्लो डिसीजन लेते हैं, तुरंत डिसीजन ये नहीं लेते हैं। तुला राशि वालों में अति उत्साहीपन इनको थोड़ा सा अप्रिय असामाजिक बनाता है। लोग इनको अहंकारी समझने लगते हैं, जबकि ये ऐसे होते नहीं हैं। ये दिल के बड़े सच्चे व साफ होते हैं, किंतु इनमें एक बहुत बड़ी कमी तो नहीं कह सकते लेकिन आज के हिसाब से कमी है, और वो है इनका स्पष्ट वक्ता होना। स्पष्ट वक्ता होने के कारण ये लोगों की आंखों में खटकने लगते हैं और अपयश प्राप्त करते हैं, लेकिन वे इसकी परवाह नहीं करते हैं। अर्थात तुला राशि वाले उन लोगों की परवाह नहीं करते जो इनकी बुराई करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छी फिल्में देखना इनको बहुत प्रिय होता है। धूर्त, चालाक, बातूनी, बददिमाग लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं होते। ये एक अच्छे मित्र साबित होते हैं, बिना शर्त अपनी मित्रता को निभाते हैं। ये दूसरे लोगों पर बहुत शीघ्र विश्वास करने वाले होते हैं, बस इनको थोड़ा सम्मान व प्यार से बोलने वाला व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, ये तुला राशि वाले उस व्यक्ति को अपना समझने लगते हैं और भविष्य में वही व्यक्ति इनको धोखा भी देता है। तुला राशि के व्यक्ति अति उत्साही व थोड़ा जल्दबाजी करने वाले होते हैं, जो कि इनको बहुत बार तकलीफ में डाल देता है। इनके व्यक्तित्व में रैपिडिकल चेंज भी देखा गया है। कभी बहुत जोली स्वभाव के हो जाते हैं और कभी 100% हार्डकोर एथिकल इंसान हो जाते हैं, जो किसी की भी बात
को मानने या झुकने को तैयार नहीं होते हैं। तुला राशि वाले सच्चे प्रेमी तो होते ही हैं, साथ में इस राशि के व्यक्ति बहुत ही जुनूनी भी देखे गए हैं। बे इंतहा प्यार करना इनको अच्छा लगता है। चूंकि तुला राशि वालों में कुछ एक ऐसे आकर्षण तत्व होते हैं जो विपरीत लिंग को आकर्षित कर लेते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सजना संवरना इनको बहुत प्रिय होता है। इस राशि के लोग कला, ललित कला, विज्ञान, वाणिज्य के अलावा मैनेजमेंट के भी मास्टरपीस होते हैं। मस्तिष्क इनका बहुत शार्प होता है। हर एक विषय पर गहन चिंतन करने के पश्चात ही निर्णय लेते हैं, जो इनको थोड़ा सा निर्णायक या ये कहिए जो इनको लेट निर्णायक भी बना देता है। इस राशि के स्वामी है शुक्र। अब मैं वो बात आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तुला राशि वाले ऐसे क्यों करते हैं या इनका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण क्यों होता है या ये सजते संवरते क्यों हैं, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, लेविस जिंदगी जीना क्यों पसंद करते हैं। उसका कारण है इस राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र के कारण इनमें काम के प्रति थोड़ा अधिक झुकाव देखा गया है और शुक्र इनको लेविस जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। तुला राशि चर राशि है, जिसके कारण इस राशि के जातक सदैव चिंतनशील रहते हैं। इस राशि के लोग संतुलित होते हैं, ठीक उसी भांति जैसे तराजू होती है, तुला होती है, यानी बैलेंस्ड। ये अपने काम को जिम्मेदारी से पूरा करने वाले और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे परफेक्टनेस के साथ पूरा करने वाले होते हैं। इस राशि के व्यक्ति न्यायप्रिय, सच्चे व मृदुभाषी देखे गए हैं। कोई भी गलत बात या कार्य ये आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, खुलकर विरोध कर देते हैं, चाहे वो घर के लोग हों या बाहर के हों। तुला राशि वाले सकारात्मक सोच वाले इसलिए भी होते हैं कि इनकी तुला राशि का वायु तत्व होता है, किंतु ये जब थोड़ा नकारात्मक हो जाते हैं तो फिर किसी की भी बात बड़ी आसानी से मानते भी नहीं हैं। इस राशि के लोगों में सौंदर्य के प्रति विशेष आकर्षण जो देखा गया है, ये लोग मेधावी व संवेदनशील भी होते हैं। इनके हृदय में विशेषकर गरीबों व असहायों के प्रति बहुत सहानुभूति देखी गई है। तुला राशि वालों में जो सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट गुण होता है वह है इनका सभी को साथ लेकर चलना। घर परिवार में एकता व संगठन पर आप सदैव ध्यान रखते हैं। सभी की इच्छा का ख्याल करना, सभी का सम्मान करना आपकी प्रायोरिटी रहती है। आपकी दूसरी विशेषता है आप कोई भी काम एहसान के लिए नहीं करते, दिखावे के लिए नहीं करते हैं, क्रेडिट लेने के लिए नहीं करते हैं। जो भी कार्य करते हैं पूरी ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं, उस काम को बीच में छोड़ते नहीं हैं। आप में पलायन प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन कई बार ये लोग स्वयं को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी दिखाने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में जो इनका व्यक्तित्व होता नहीं है वो भी ये शो करने लगते हैं, जिसके कारण इनमें स्पष्ट रूप से अहंकार का आभास होने लगता है। विशेषकर इनकी वाणी में ये परिवर्तन यकायक आ जाता है। दूसरी तरफ तुला राशि के व्यक्ति श्रेष्ठ कलाकार, चाहे वो गायन हो, अभिनय हो, वादन हो, या फिर ललित कला का क्षेत्र हो, नृत्य हो या लेखन हो, ये सब में बहुत ही उम्दा होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। दूसरा, इनमें नेतृत्व करने की भी बड़ी गजब की क्षमता होती है, बहुत अच्छी क्षमता होती है इनमें नेतृत्व करने की। ये अर्थात ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं। ये निर्भय और सत्य रहकर नेतृत्व प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, बीच में मैं आपको तुला राशि के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। 12 राशियों में तुला राशि 7वें नंबर की राशि है, ये आप जानते हैं। राशि का स्वामी शुक्र है, ये भी आप जानते हैं। शुक्र की अन्य राशियां भी होती हैं और वो एक राशि है वृषभ राशि। तुला राशि के निर्माण की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण, विशाखा नक्षत्र के 3 चरण, कुल मिलाकर इस राशि में 10 चरण होते हैं, जो इस राशि को और भी विशिष्ट बनाते हैं। चूंकि तुला राशि वालों में भावुकता व संवेदनशीलता बहुत होती है, अतः कुछ एक चालाक लोग आपको आसानी से धोखा भी दे जाते। कई बार प्यार में भी आपके साथ ऐसे धोखे होते हैं। आप
जिनकी मदद करते हैं वे ही लोग आपकी बुराई करने लगते हैं, आपका अपयश फैलाते हैं। दूसरा, आपका आपके द्वारा दिया गया धन या आर्थिक सहायता जिसकी भी आप करते हैं वो धन आपका आसानी से लौटता नहीं है। शांतिप्रिय व नैतिकतावादी होने के कारण आप सामाजिक होते हैं, जिसके कारण आप में नैसर्गिक क्षमा गुण भी होता है, यानी आप ब्रॉड माइंड होते हैं। लेकिन पुनः स्मरण करा दूं, तुला राशि वालों में एक विशेष प्रकार की जिद भी देखी गई है, जो शीघ्र गुस्सा होना व जल्दी ही शांत हो जाने की प्रवृत्ति पाई गई है। कई बार बिना चिंतन किए गलत बात को भी सही कह जाते हैं, जो आपको दुविधा में डाल देता है, और दुविधा में इसलिए डाल देता है कि एक बार अगर इन्होंने कुछ बोल दिया तो वे ये अपनी बात पर फिर अड़ भी जाते हैं। तुला राशि वाले लोग शांतिप्रिय और सामाजिक प्रवृत्ति के यद्यपि होते हैं, अर्थात वे समाज में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, इनको अकेले रहना बिल्कुल रुचिकर नहीं लगता है। जीवन साथी के प्रति ये पूरे ईमानदार होते हैं, वे अपने साथी से पूरा भरपूर प्यार करते हैं एवं वे चाहते हैं कि उनका जीवन साथी भी उनको उसी प्रकार से ईमानदारी से प्यार करे। चाहे वे अपने जीवन साथी की समस्त छोटी बड़ी इच्छाओं का ख्याल रखते हैं एवं उन्हें पूरा भी करते हैं। यद्यपि आपके मनोभावों को आसानी से यानी अंदाजे से पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा क्रॉसवर्ड पजल जैसा भी होता है। तुला राशि वालों की पसंद बड़ी यूनिक होती है, खाने पीने से लेकर वस्त्र, गाड़ी, घर, रहना सहना, ये सब यूनिक होता है। ये एक अच्छे सलाहकार भी होते हैं, अगर किसी को ये सलाह दे देते हैं तो वह सलाह बहुत फलीभूत होती है, सफल होती है। लेकिन स्वयं के मामले में अगर मैं बात करूँ तो स्वयं थोड़ा सा औरों से हटकर सोचते हैं और ये फिर वैसा ही करते हैं। तुला राशि की महिलाओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो मित्रों, तुला राशि की महिलाएं अंतर्मुखी होती हैं, अक्सर अपनी फीलिंग्स अपने जीवन साथी को भी ये शेयर नहीं करती हैं, जिसके कारण जीवन में अनेकों दुखों से भी इनको गुजरना। आपको एक स्वच्छ, निर्मल और कल्पनाशील जीवन संसार पसंद है, सच्चा व सीधा संसार प्रिय लगता है। ये विभिन्न कलाओं में निपुण होती हैं, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी समाज की विभूति होती हैं। सभी को सम्मान व आदर देना आपके स्वभाव में होता है। तुला राशि वाले भावी भविष्य की प्लानिंग करने में बहुत सिद्धस्त होते हैं, ये कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करके चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं और तब उसको काम को लेके जाते हैं। और ये देखा गया है कि अधिकतर तुला राशि वालों की जो प्लानिंग होती है बहुत सफल होती है, और ये व्यापार हो चाहे नौकरी हो, ये बहुत सफल व्यक्ति होते हैं। किंतु ऐसी ही विशेषताओं के कारण, कुछ ऐसी ही इनमें जो खूबियां होती हैं उसके कारण, पुनः मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि विपरीत लिंग इनकी तरफ बहुत अनायास ही आकर्षित हो जाता है और जिसके चक्कर में पड़कर ये थोड़ा सा राह भटक जाते हैं, और कई बार जीवन में इनको बहुत दुखी होते हैं ये, बहुत परेशानियां इनको सामना करनी पड़ती हैं और समाज में इनको थोड़ा अपयश भी झेलना पड़ता है। इनकी समस्त खूबियों के साथ ही अधिकतर तुला राशि वाले अक्सर दूसरों के बिना कार्य पूरा नहीं कर पाते। यद्यपि ऐसा नहीं है कि इनमें क्षमता नहीं होती, लेकिन फिर भी इनको सहयोग अपेक्षित होता है। वहीं जैसे मैंने आपको बताया, तुला राशि की महिलाओं को अगर हम देखें तो उनमें ये गुण पाया जाता है कि वे सुख सुविधाओं को बहुत अधिक महत्व नहीं देती हैं, वे बड़ी संतुलित जीवन शैली में जीने का विश्वास करती हैं, उनका न कोई दुश्मन होता है न कोई मित्र होता है, संतुलित जीवन जीती हैं। संकोची स्वभाव होने के कारण आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बताती, ये मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, और विशेषकर दुष्ट, कपटी, छली, धोखेबाज या बहुत बड़ बोले लोग इनको अच्छे नहीं लगते, उनसे ये घोर नफरत भी करती हैं। तो मित्रों, तुला राशि वालों के विषय में ये जो जानकारी आपको मिली, उम्मीद करता हूँ पसंद आई। अब मैं बात करता हूँ कि तुला राशि वालों का जो भाग्य है वो कौन कौन से वर्ष में उदय होता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि 24, 33,
36 और 42वां जो वर्ष होता है ये इनके लिए बहुत विशिष्ट वर्ष होता है, ये इनके भाग्योदय का वर्ष देखा गया है। 30 से 32 वर्ष के बाद में अक्सर बहुत से लोगों का 30 से 32 वर्ष के पश्चात ही भाग्योदय होता हुआ भी देखा गया है, और 36 से 38 वर्ष से पहले जीवन में इनके बहुत कुछ परिवर्तन भी ऐसे देखे गए हैं, अनपेक्षित परिवर्तन भी देखे गए हैं। आपके जो हितेशी जो नाम हैं वो सी से शुरू होने वाले, एच से शुरू होने वाले, एम से शुरू होने वाले, एन से शुरू होने वाले और एन से शुरू होने वाले होते हैं। मेष सिंह धनु राशि वालों के साथ में आपकी अच्छी बनती है, कुंभ मेष कर्क राशि वालों के साथ में भी आपके मधुर संबंध होते हैं। अगर मैं हानि की बात करूं, हानि के वर्ष की बात करूं, तो ये देखा गया है कि 22, 23 और 28वां वर्ष आपके लिए अधिकतर तुला राशि वालों के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें इन वर्षों में, आयु के इन वर्षों में अक्सर हानि देखी गई है। तो मित्रों, ये जो राशिफल था, ये जो भाग्यफल था, या ये तुला राशि के विषय में जो मैंने आपको बताया, ये चंद्र राशि के आधार पर है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचारों को बता सकते हैं। और मित्रों, यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और इसे तुरंत अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर दें। आपका आभार रहेगा, आपकी मेहरबानी रहेगी। मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।